जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो भाई आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इशू के वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, बट इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड ही अपलोड कर दूँ, तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज बेसिकली यार स्टार्ट करने से पहले क्लासेस की इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए कि भाई आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो लगातार, यार हम लोग 3 से 4 महीने से एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को, इवन हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख भी रहे, है ना। अगर आप भाई चैनल पे नए हो तो जाके ज़रूर उन चीज़ों को विज़िट करो, उन चीज़ों को देखो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए यार कि आपको क्या इस चैनल पे मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें आपको एनटीएससी के लिए करनी चाहिए, वो हर एक चीज़ इस चैनल पे आपको मिल रही है। क्लियर। बाकी आपको भाई क्लास की बात रही तो क्लास आपकी डेली मैथ्स की चलती थी 4 PM पे, साइंस की क्लास डेली चलती है आपकी 6 PM पे, इसको मैं 6 कर देता हूँ यहाँ पे, 6:30 6 PM पे, एंड 7:30 पे आपकी रीजनिंग की रिवीजन क्लास होती है। क्लियर। बाकी आप डेली अगर लाइव पढ़ना चाहते हो यार तो ये टाइमिंग आप रिमेंबर कर लेना, इस टाइमिंग पे आपको डेली लाइव सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसमें भी आपको रिवीजन करना है, सिंपल सा काम, मैथ्स की क्लास ओवर हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास ओवर हो चुकी है। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है यार, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिए, वहाँ से सारी वीडियोज़ आप एक्सेस कर सकते हो, सबकी प्रॉपर एक सीक्वेंस में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं। क्लियर। बाकी अगर आपको क्लासेस के नोट्स, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज हर एक चीज़ वहाँ पर मिलती है यार, आप पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आपको एनटीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है, लाइक DPPs हो गए, नोट्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो मेक श्योर कि उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। और अगर कोई भी लिंक अगर नहीं खोज पा रहे हो आपकी प्लेलिस्ट भैया, नहीं सेक्शन हम खोज पा रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, वहाँ सारी लिंक्स अपडेट कर दी गई है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के ऊपर। मेटल्स हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था हमने, केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया था। अब बात करते हैं भाई मेटल्स हमें मिलते कहाँ से, मोस्टली जो हम मेटल हमें चाहिए, क्या हमें ऐसे ही रखा हुआ मेटल मिल जाता है, है ना। आपने देखे होंगे घर पे लोहे की सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो क्या एक्चुअली वैसे ही रखी होती है, हम उसे बस पा लेते हैं, उसे बस यूज़ कर लेते हैं काम में, कहाँ से वो मिलते हैं हमें, कहाँ से हम उन्हें निकाल के लाते हैं, फिर अपने काम की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करके वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि आप हर एक चीज़ वैसी ही एज इट इज़ रखी रहती है, आप उसको निकाल के तुरंत बना लेते हो। हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, मेटल्स यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हम यूज़ करते हैं अपने घर में, वो कहीं ना कहीं से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके ही चीज़ों को फिर मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं अपने लिए। क्लियर। तो वैसे ही हम बात बेसिकली किसकी कर रहे हैं, मेटल्स की। जितने भी मेटल्स हम यूज़ करते हैं वो कहाँ हमें मोस्टली मिलते हैं, तो आप सारे लोगों को पता है भाई, आपने सुना भी होगा ये कहानी कि यहाँ खुद ज़मीन में के अंदर कुछ गड़ा हुआ मिल गया, ये मिल गया, कुछ तो भाई है कि प्राचीन समय मिल गया, है ना। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, लाइक सोना हो गई, है ना, सोने की खान आपसे बोला जाता है मिल गई, तो क्या किसी ने गाड़ दिया था या फिर पहले से ही था, है ना, कैसे वो सारी चीज़ें वहाँ पे आई। आप भाई करते हो ना कि ज़मीन की खुदाई कर दी है, वहाँ पे अलग सा मेटल मिल गया कोई, कहीं सोना मिल गया, है ना, कहीं चांदी मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो कहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो एक्सप्लोजन हमने, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाऊँ कैसे सारी चीज़ें हुई। ठीक है, जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशंस हुई तो वहाँ पर मल्टीपल वेराइटी ऑफ थिंग्स थी जो मिल के वो सारी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, अब वो एज इट इज़ वहाँ पे क्यों पड़ी है, जैसे हमने खोला तो वहाँ पे गोल्ड एज इट इज़ क्यों पड़ा है उसके बारे में आप समझेंगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी चीज़ें वो एज इट इज़ क्यों पड़ी होती है, हमें वैसे ही क्यों मिल जाती हैं। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट हम नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें निकल रही हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे है ना, वो मिक्सचर होते हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी भी मेटल्स होते हैं वो दो तरीके में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट पे ही होते हैं, हमें उन्हें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, वहाँ से निकालना होता है। तो वो होते कहाँ है, बेसिकली अर्थ क्रस्ट पे, और दो ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहला नेचर क्या होता है, दैट इज़ फ्री नेचर। पहला नेचर क्या होता है, अगर पहले नेचर की बात करेंगे तो फ्री नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा नेचर क्या होता है, दैट इज़ कम्बाइंड नेचर। तो यहाँ से नेचर तो आप लोग आइडिया लगा रहे होगे यार कि फ्री नेचर का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, अकेला हो, और कंबाइन का मतलब किसी ना किसी से कंबाइन करके हो।
तो देखो अकेला कौन रहता है, अकेला कौन रहता है भाई, जो क्या हो लीस्ट रिएक्टिव हो, क्या हो लीस्ट रिएक्टिव हो, कम रिएक्ट करे, किसी से रिएक्ट ना करे। अब देखो अगर ये रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव होता, अगर ये मोस्ट रिएक्टिव होता तो किसी ना किसी चीज़ से, ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हमारी अर्थ पे, है ना, अर्थ पे क्या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल क्या है आपका, दैट इज ऑक्सीजन, तो वो उससे रिएक्ट कर सकता था, है ना, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता था, किसी भी अलग अलग चीज़ से रिएक्ट करके वो किसी न किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता, किसी न किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। बट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो क्या है रिएक्टिव ही नहीं है। उसके पास सोर्स तो है कि भाई किसी न किसी से तुम रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगल बगल काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सबसे किसी न किसी से आप रिएक्ट करके कुछ बना सकते हो। बट यहाँ पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किस फॉर्म में है, वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब, वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और जो कंबाइन स्टेट में होगा वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा या नहीं होगा, मोस्टली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्टिव होगा। अब कैसा रिएक्टिव होगा वो आगे की कहानी, अलग अलग उसको भी सेपरेट करते रहेंगे, क्लियर। तो जो सबसे बेसिक बात क्या है भाई, जितने भी फ्री स्टेट में हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, वो क्या है लीस्ट रिएक्टिव है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी थी, नीचे आपके जितने भी गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये सारे क्या हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं किसी भी अदर कंपाउंड से, मोस्टली ये क्या करते हैं अकेले ही मौजूद रहते हैं। जैसे आयरन अगर आप खुले में छोड़ दो, थोड़ी सी मॉइस्चर वो अगर पाएगा तुरंत रिएक्ट करके रस्टिंग हो जाती है उसकी, रिएक्शन हैपन हो जाता, क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है ज़्यादा है, है ना, उसकी रिएक्शन की टेंडेंसी क्या है ज़्यादा है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है ऊपर आता है। बट ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं यार, ये जो आपके पास है गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी, ये कहाँ आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, काफ़ी नीचे आती हैं, काफ़ी नीचे आती हैं। सो ये क्या है, काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली, जब ये रिएक्शन देंगे ही नहीं तो किसी से रिएक्शन होगा नहीं। अब जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो ये किस स्टेट में लाई करेंगे, दैट इज फ्री स्टेट में। इसीलिए बोला जाता है कि जब जमीन की कहीं भाई खुदाई हो रही है तो गोल्ड एज इट इज निकल जाता है, क्यों, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। तुम 1000 साल छोड़ो या 2000 साल छोड़ो, अर्थ कब का बना है वो चेक कर लेना तुम, तब से लेके अभी तक क्या होगा, वो गोल्ड वहां पे पड़ा हुआ है जब फॉर्मेशन हुआ था, तो मल्टीपल आपके मेटल्स नॉन मेटल्स क्या हुए थे भाई, मिनरल्स आपके क्या हुए थे वहां कंबाइन करके वो उसका फॉर्मेशन हुआ। अब वो तब से एज इट इज वैसे ही पड़ा हुआ है, जब तक तुम रहोगे या तुम्हारे बाद भी वो क्या रहेगा, वैसे ही पड़े रहेगा जब तक कोई और नहीं उसको निकाल लेता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्री स्टेट में है, इट मीन्स वो लीस्ट रिएक्टिव है, और वो तब तक रहेंगी जब तक आप छोड़ दोगे, वो किसी से रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्लियर। वैसे ही कंबाइन स्टेट वाले भाई जो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, मतलब क्या होंगे, ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां लाई कर रहे होंगे, ऊपर लाई कर रहे होंगे, वो क्या है ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उनकी टेंडेंसी क्या है भाई, अकेले नहीं रह सकते हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि कोई भी अलग से ऑक्सीजन मिल गया, सल्फर मिल गया, है ना, कुछ भी चीज़ें मिल गई, कार्बन मिल गया, कार्बोनेट मिल गया, कुछ भी मिल गया, उससे क्या करेंगे वो रिएक्शन कर लेंगे, तुरंत वो क्या करते हैं रिएक्शन कर जाते हैं, अब रिएक्ट करके कुछ अलग सा कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फ्री स्टेट में नहीं लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लो सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, लेड ले लो, कॉपर ले लो, ये सारी चीज़ें क्या है भाई फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, क्लियर, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे कॉपर है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, आपको बाद में देखने को मिलेगा, आगे मैं दिखा दूंगा। बट यहाँ पे मोस्टली ये सारे क्या है जो कंबाइन स्टेट में होते हैं, और ये क्या है सारे के सारे क्या है फ्री स्टेट में लाई करते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, क्लियर। चल तो पहली चीज भाई फ्री स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्री स्टेट क्या है, मेटल इज सेड टू अकर इन अ फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन एलिमेंट्री और अनकंबाइंड फॉर्म। मतलब ये किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हो सकती हैं वो अलग बात है, बट एज इट इज ये मेजर पार्ट क्या होता है इनका, मोस्ट ऑफ द पार्ट ये प्योर मेटल ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज उधर उधर होती हैं, वो इंप्योरिटीज आप देखोगे आगे क्या क्या आती हैं। इसके बाद दीज हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड आर नॉट अटैक्ड बाई मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर और नो अदर मेटल्स।
क्लियर, मतलब किसी भी चीज़ से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप क्या ले लें भाई, गोल्ड ले लें, ठीक है, सिल्वर ले लें या फिर प्लेटिनम ले लें, ये तीनों क्या है भाई आपके पास, नॉन रिएक्टिव हैं, ये एज इट इज़ मौजूद होते हैं आपकी अर्थ क्रस्ट में, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर मॉइस्चर हो या कोई भी अदर नॉन मेटल ले लो आप, किसी से भी ये क्या करते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्लियर, चलो इसके बाद दूसरा फॉर्म आता है, दैट इज कंबाइंड स्टेट फॉर्म। ये ऐसे भाई मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, ये हाईली रिएक्ट करके चीज़ों को अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर में आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद आपके पास आएगा लिथियम आ सकता है एंड कैल्शियम आ सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, ये मोस्ट ऑफ द चीज रिएक्टिव है, ये रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके क्या करते हैं, कंबाइन स्टेट बना लेते हैं। क्लियर, तो ये जनरली हाईली रिएक्टिव टेंडेंसी की वजह से अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर, इसलिए हमेशा आप कभी भी देखेंगे अर्थ क्रस्ट में ये मेटल जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, तो ये किसी ना किसी चीज़ से कंबाइन करके या तो ऑक्साइड बना रहे होंगे या फिर अपना सल्फाइड बना रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें बना रहे होंगे, वो कार्बोनेट भी हो सकता है। तो अब उनको हम क्या करते हैं भाई, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। अब बाकी आगे की प्रोसेस, दैट इज़ वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलर्जी, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो मेटल इज सेड टू बी अकर इन कंबाइंड स्टेट इफ इट इज फाउंड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। क्लियर, किसी भी चीज को आप क्या बोल सकते हैं, किसी भी मेटल्स को क्या बोल सकते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में है, जब ये क्या मिले आपको, फ्री अलोन या फिर नेटिव स्टेट में ना मिले, ये किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिले, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। क्लियर, चलो एग्जांपल में देख लो भाई, सोडियम, आपको पता है सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसके बाद मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर और मेटल विच अकर इन फ्री स्टेट, दो यहाँ पे आपके पास मिलेंगे, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था भाई, कॉपर हो गया और क्या हो गया, सिल्वर हो गया, ये दोनों एज इट इज आपकी फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं और एज इट इज कहाँ मिल जाते हैं आपके पास, कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं। ये मोस्टली कॉपर सल्फाइड के ही रूप में मिलता है ना, कॉपर सल्फाइड के ही रूप में मिलता है और यहाँ एज इट इज कॉपर या फिर सिल्वर के ही रूप में मिल जाता है। ठीक है, कॉपर या फिर सिल्वर के ही रूप में मिल जाता है। तो ये दो ऐसे एग्जांपल है, ये दोनों कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है भाई कि कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में कौन से दो मेटल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं दोनों में। तो ये दोनों एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर, जिसका ध्यान रखना है कि ये मोस्ट ऑफ द केस में कंबाइंड भी मिल जाते हैं और कुछ केसेस में नेटिव प्लेस में भी मिल जाते हैं, नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं। क्लियर, अब भाई बात करते हैं मिनरल्स की एंड ओर्स की। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, देखो अब मोस्ट हम जब भी अर्थ क्रस्ट में क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्या हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट जहां से हम क्या कर लें, उसे एक्सट्रैक्ट करके, उसे प्योरीफाई करके हम क्या कर लें, मेटल्स को निकाल लें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर, द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच द मेटल्स और दियर कंपाउंड्स अकर इन आइदर नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम अगर अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं जिसमें से हम क्या करें, प्योरिफिकेशन, मेरा क्लियर, मैं ये डेफिनेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सजेशन जा रहा हूँ कि जिससे आप प्योरिफिकेशन या फिर मेटलर्जी वाला प्रोसेस लगा के उसमें से क्या कर सको, आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सको, बाहर निकाल सको, बाकी की चीज़ें फेंक दो बाहर अंदर, वो अलग बात है, बट आपको जो मेन कंपोनेंट मिल जाए वो क्या है, मेटल, उन सारे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो, मिनरल। ठीक है, अब वो बात अलग है कि हम किसका यूज करते हैं, किस मिनरल का और किस मिनरल का नहीं, वो बात अलग है। क्लियर, तो द नेचुरल सब्सटेंसेस नेचुरल होंगे, ठीक है, इन विच मेटल और दियर कंपाउंड्स अकर इन नेटिव स्टेट या फिर कंपाउंड स्टेट। क्लियर, चलो इसके बाद भाई आगे बात करते हैं, मोस्टली वो सारी चीज़ें हम निकालते भी हैं, देखते भी हैं धीरे धीरे। अब ओर्स, तो ओर्स क्या है भाई और मिनरल्स क्या है, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है बट ये बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको ज़रूर समझना भी चाहिए अच्छे से। अभी मिनरल क्या बोला मैंने भाई, यहाँ पे अगर मिनरल की बात करें आप,
तो मिनरल के लिए बोला मैंने कि भाई यहाँ पे मिनरल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको आप क्या करें, प्योरिफिकेशन वाला प्रोसेस लगाएं, मेटलर्जी वाला पूरा प्रोसेस लगा के उसमें से क्या करें आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, मेटल्स को क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। ये हमारा मेन फिनोमिना है, मेन काम है, यही हमारा टारगेट है। क्या भाई कि हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसमें से क्या करना है, मेटल को निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये क्या है हमारा टारगेट है। अब हम ये काम करेंगे कब, जब हमें क्या होगा भाई, हमारे लिए फिजिबल होगा, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तभी तो वो काम करोगे आप, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर आपसे बोला जाए कि आपको दो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कौन सी, एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जानी है और एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जानी है, तो आपको भाई काम तो वही करना है क्या कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही ट्रेवल करना है, काम तो यही करना है। ये तो बात क्लियर भाई, हमें काम करना है और कौन सा काम करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। बट आप पाथ कौन सा चूज करोगे जो आपके लिए इजी हो, आसान हो, प्रॉफिटेबल हो। अब इससे जाओगे, मान लो अगर बस से जाओगे आप, तभी भी आपका बस का किराया भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब इससे जाओगे तो इससे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फायदे हैं। दैट इज़ पहला तो क्या, काम कम करना है बिकॉज डिस्टेंस कम है आपके पास, फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगा लो, क्लियर। उसके बाद अलग बात, दूसरी बात आओ, दैट इज अब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो टाइम बचेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं और के कंडीशन में भी, कि ऐसे मिनरल्स को हम क्या करते हैं, ऐसे मिनरल्स से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें क्या मिले हमें, प्रॉफिट मिले, मतलब ज़्यादा पैसा ना यूज़ करना पड़े, ज़्यादा जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, और अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, तो हमें मेटल भी क्या निकले, ज़्यादा मात्रा में निकले, ज़्यादा प्योरीफाई फॉर्म में निकले, उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, क्लियर। जो हमारे लिए आसान भी हो निकालना, हमको ज़्यादा मेटल मिले भी और हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल भी हो, वैसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, क्लियर। तो बेसिकली ओर्स आर मिनरल, आप बोल सकते हो, है ना, ये ओर्स क्या है भाई, बेसिकली मिनरल हैं, बट क्या है, सेलेक्टेड मिनरल्स होते हैं ये क्या है, सेलेक्टेड मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है वो मिनरल, बिकॉज ये ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं रखता है, ज़्यादा वेस्ट चीज़ें नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप दो चीज़ें हैं, आपको यहाँ से समझ सकते हो कि ये क्या है, आपके पास एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये है, इसमें क्या है 20% आपके पास क्या है, मेटल है जो आपको निकालना है, और यहाँ पे क्या है 80% मेटल है जो आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई। अब यहां से हम निकालेंगे कौन से सब्सटेंस से, ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस क्या है, बी है। तो आप किस में से और को मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे भाई, सेम काम इसमें भी करना है, सेम काम इसमें भी करना है। अब मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें से सिर्फ 20% टोटल सब्सटेंस का आपको मेटल मिलने वाला है, और सेम काम यहां पर करोगे तो 80% मेटल काम करना मिलने वाला है यहां पर। अब किसको आप मिनरल बोलोगे और किसको और बोलोगे, ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए अभी तक में कि भाई मिनरल तो दोनों है बिकॉज दोनों क्या कर रहे हैं, मेटल को कंटेन कर रहे हैं, मेटल को अपने अंदर रखे हुए हैं, एग्जिस्ट करता है दोनों के अंदर मेटल। हम क्या कर रहे हैं भाई, इनको एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करके, वो प्रोसेस अलग है, उसको आप देखेंगे आगे भी, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेटल को निकाल रहे हैं, बाकी जो वेस्ट है उसको हम फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ है दैट इज़ वो क्या है, वो सिर्फ 20% है, और यहाँ पे क्या है भाई 80% है। तो प्रॉफिट तो हमारे लिए 80% वाला भाई, हम काम भी उतना ही करें, टाइम भी हमारा उतना कंज्यूम हो, पैसा भी हमारा उतना कंज्यूम हो, सोर्स भी हमारा उतना ही यूज़ हो रहा है दोनों को एक्सट्रैक्ट करने में। तो हम यूज़ कौन सा करेंगे, सिंपल सी बात है, कौन सा आप यूज़ करोगे सब्सटेंस, दैट इज़ 80% वाला। तो ये आपके लिए क्या है, ओर है, और ये दोनों क्या है आपके लिए, मिनरल हैं, क्लियर। दोनों क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ मेटल बोल सकते हो क्या, सोर्स ऑफ मेटल बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। दोनों क्या है, सोर्स ऑफ मेटल जिससे आप मेटल निकाल रहे हो, बट और वो सोर्स होते हैं जहां पे मोस्ट प्रॉफिटेबल तरीके से और हमारे लिए हमेशा क्या हो, प्रॉफिट हो, फिजिबल हो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप निकाल रहे हो, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल लेके देख लो, एल्यूमिनियम अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ टू मिनरल्स, बॉक्साइट और किसमें, क्ले में, क्लियर।
आउट ऑफ दीज टू एल्यूमिनियम कैन कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट, सो इट इज द बॉक्साइट इज ओर ऑफ एन एल्यूमिनियम। क्लियर? बॉक्साइट में भाई इंप्योरिटी कम है, क्ले में क्या है इंप्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं उसको हटा के, इसको हटा के सिंपली बॉक्साइट को क्या बोलते हैं, दैट बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ मिलनर। ये क्या है भाई? ओर है, आर नहीं, ओर। क्लियर? तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब ये क्या है, कुछ कॉमन ओर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, दैट इज कि भाई कॉपर जो हम यूज करते हैं वो मिनरल ये है क्या, बेसिकली वो मिनरल्स जिनसे हम क्या करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मिनरल्स जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं भाई मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सी बात है, वो मिनरल्स हैं ये जिनसे हम क्या कर रहे हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात होती है कि भाई सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं, बट सारे ओर्स क्या हैं मिनरल्स हैं, है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि सारे ओर्स है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल ओर्स आर मिनरल। ये तो बात क्लियर है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको कि सारे ओर्स क्या है भाई मिनरल हैं, बट सारा मिनरल ओर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मिनरल्स हमारे लिए क्या है प्रॉफिटेबल नहीं है, हमारे लिए भाई पैसा ज़्यादा लग जाएगा बट हमें मेटल कम मिलेगा, तो हम उस प्रोसेस को करेंगे ही क्यों, हम ह्यूमन है भाई, हमारा काम क्या प्रॉफिट खोजना, तुम्हें 10 रुपये देंगे तो तुमसे भी प्रॉफिट ही सोचेंगे, है ना, ये नेचुरल भी है। क्लियर? अब यहाँ पे भाई सारे मेटल्स हैं, सबके कौन कौन से ओर हैं, दैट इज किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे क्या है आपके कंबाइंड फॉर्म है, दैट इज कंपाउंड वाला फॉर्म है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स बोल सकते हो। ये सारे कंबाइंड हैं, ये सारे मेटल क्या करते हैं इनसे रिएक्ट करके उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, फिर हम क्या करते हैं उनको निकालते हैं, उनको फिर अपना प्रोसेस लगा के जो एक्चुअल मेटल है उसको निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी ओर है ना, एल्यूमिनियम के अलग ओर है, दैट इज ये क्या करता है ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है बॉक्साइट बना लेता है यहाँ पे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं बॉक्साइट का यूज करते हैं किस लिए, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम को निकालने के लिए। क्लियर? अब कॉपर के लिए भाई कॉपर फ्री स्टेट में भी होता है और क्या होता है कंबाइंड स्टेट में भी, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दो और एग्जिस्ट करता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आपको दोनों चीजें याद रखनी है, मोस्टली हेमेटाइट का ही यूज आपसे पूछा जाता है। इसके बाद सल्फाइड और मतलब सल्फर से रिएक्ट करके ये लोग किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो सारी बातें अलग अलग है, जो अवेलेबिलिटी होगी इनके अराउंड सराउंडिंग में वो उससे क्या करेंगे रिएक्ट करके उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब कार्बोनेट में कैल्शियम आपको पता है भाई, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बताता है, दैट इज लाइमस्टोन। अब उससे हम क्या करते हैं लाइमस्टोन का यूज करके कैल्शियम को भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ये हैलाइड ओर है, मतलब हैलोजन से रिएक्ट करके क्या करता है, हैलोजन्स में क्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें आ जाएंगी, ठीक है, वो सबसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये तरीके बनाते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं प्रोसेस लगा के मेटलर्जिकल उनको हम कन्वर्ट कराते हैं। ये कैल्शियम के सल्फेट ओर हैं SO4 से रिएक्ट करके। क्लियर? ये सारे क्या हैं SO4 से रिएक्ट करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं। आपको याद बस कुछ के मेन चीज़ें रख लेनी है, हेमेटाइट का याद रख लेना, इधर कॉपर ग्लेंस का याद रख लेना, जिंक ब्लेंड का याद रख लेना, गैलेना सिन्नाबार और ये सारी चीज़ें तो आपको लगभग याद ही होती हैं, हॉर्न सिल्वर जिप्सम याद ही होगा, पहले चैप्टर में पढ़ रखा है भाई, एप्सम सॉल्ट, बाकी लगभग एक बार चीज़ें आप जरूर देख ले और डेली अगर 2 दिन याद करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा डायग्रामेटिक दिखाने का तरीका है भाई कि कुछ भी मिल रहा है हमें, फिर इनसे कन्वर्ट करा के हम अपनी चीज़ें निकालते हैं, दोनों से क्या करते हैं आयरन को निकालते हैं, आयरन मेटल को निकालते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं आपके पास, चालकोपाइराइट बॉर्नाइट है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जनरली जब आप खोदते हो तो ये इस तरीके से दिखते हैं, जिनको हम निकाल के फिर उनमें से क्या करते हैं मेटल्स को निकालते हैं और उनको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर?
अब भाई बात कर लेते हैं मेटलर्जी की, जो असली प्रोसेस आज शुरू होने वाली है, ठीक है। मेटलर्जी, तो मेटलर्जी बेसिकली है क्या? अभी तक आपने देखा भाई मिनरल क्या होते हैं और क्या होते हैं, दोनों चीजें समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया। अब हमें पता है कि मिनरल मिनरल हैं क्या, ये कंटेन करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं किसको, मेटल को, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कंटेन करते हैं किसको, मेटल को। हो सकता है उसमें क्या हो, प्योर फॉर्म में हो, एज इट इज मेटल मिल जाए, या फिर वो किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करके, कार्बोनेट से रिएक्ट करके, सल्फेट से रिएक्ट करके, या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो उस सब्सटेंस में, ठीक है। बट अब हमें करना क्या है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें तो मेटल्स चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में दिखती है वो क्या होती है, मेटल्स की बनी होती है। एल्यूमिनियम हो गया आपके पास, कॉपर हो गया आपके पास, है ना, लेड हो गया आपके पास, सारी चीजें अलग अलग है जो क्या होती है, मिलके बनी होती है। तो हमारा काम क्या है भाई, मेटल को निकालना। हम क्या करेंगे, अब मेटल को निकालने के लिए कुछ चीजें करेंगे। अब आपको पता है भाई, मेटल किसी और चीज से रिएक्ट करता होगा, कोई और चीज होगी, सारी चीजें अलग अलग है। तो हम जो मिनरल से, या फिर आप मिनरल्स नहीं बोल सकते, यहाँ पे ओर्स बोलेंगे, क्योंकि आप यूज जिसका मोस्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वो क्या है, ओर्स। हम ओर को यूज करके वहां से जो मेटल निकालते हैं, यहाँ क्या था, ये ओर था, यहाँ पे क्या था, मेटल था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ओर से मेटल तक की, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी का क्या मतलब है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। सिंपली क्या आप बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर्स, ठीक है। जब आप ओर से क्या करते हो, कोई भी तरीका लगाओ, अब अलग अलग मल्टीपल प्रोसेसेस हैं भाई इसको निकालने के लिए, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, वो सारे प्रोसेस जो आपकी ओर और एक मेटल के बीच में होती हैं वो सारी क्या होती हैं, मेटलर्जी। क्लियर, आज उन्हीं के बारे में चीजें भाई हमें देखनी है, और मेटलर्जी सारी चीजें यही होती हैं, क्लियर। या फिर वो मेल्टिंग के थ्रू करे, या किसी से रिएक्शन करा के करे, या फिर उसको वॉशिंग करके करे, कोई भी तरीका हो सकता है, वो सारे तरीके किस में आएंगे, हमारे सारे तरीके मेटलर्जी के अंदर आएंगे, क्लियर। द ओर जनरली कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज। अब आगे की बात करते हैं भाई, अब ओर अगर आपने लिया हुआ है, और लिया है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हमें भाई अब देखना है, कि क्या तरीका हम लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्योरीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या क्या चीजें लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि और में क्या क्या चीजें मौजूद है, उसके बाद की कहानी आगे करेंगे, है ना। तो चलो, द ओर्स जनरली कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज सच एज सैंड, स्टोन, अर्दी पार्टिकल्स, लाइम स्टोन, माइका एंड एक्सेट्रा, क्लियर। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है भाई कि वो सिर्फ अपना प्योरीफाइड कंपाउंड के ही फॉर्म में है, ठीक है। जैसे अगर तुम एल्यूमिनियम को ले लो, है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, बॉक्साइड दैट इज, वो क्या है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही है, उसमें कुछ अलग इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं क्या, अदर केमिकल रिएजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल रिएजेंट भी हो सकते हैं भाई, है ना। जरूरी नहीं है कि आपके जो फिजिकल रिएजेंट हो, दैट इज सैंड स्टोन, यही सब मिला हुआ हो, उसमें जुड़ा हुआ हो, कुछ केमिकल इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं रिएजेंट के जगह। यहां पे लिख सकता हूं क्या, सिंपल सा मैं, केमिकल इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं इसमें, क्लियर। केमिकल इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं इसमें, क्लियर भाई। मतलब कुछ अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस हो सकते हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो, हमारे लिए क्या हो, बर्बाद चीज हो, हमें यूज नहीं है उसका, ठीक है। तो उसे भी क्या करेंगे, हम निकाल के फेंकेंगे। तो यहां पे द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर, नेचर ऑफ मेटल एंड टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। अब भाई नेचर ऑफ ओर पे भी डिपेंड करता है, दैट इज क्या है, नेटिव स्टेट में है, दैट इज क्या है, वो सारी चीजें। नेचर ऑफ मेटल, मेटल कैसा नेचर है उसका, एंड द टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट, और किन किन टाइप्स की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि मेटलर्जी में कौन सा प्रोसेस आप यूज करोगे इसको रिफाइन करने के लिए, क्लियर। चलो इसके बाद, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, जो प्राइमरी प्रोसेस होता है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आप क्या करते हो भाई, क्रश कर देते हो, उसके बाद उसको क्या कर देते हो, पाउडर फॉर्म में ला देते हो,
बाकी इसके बाद की कहानी आपको आज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। पहली चीज क्या करनी है आपको, दैट इज क्रशिंग। आपको जो भी सब्सटेंस मिलेगा उसको क्रश कर दोगे, तोड़ दोगे, फिर उसको क्या कर दोगे, ग्राइंड कर दोगे, दैट इज पाउडर फॉर्म में ले आओगे। उसके बाद का प्रोसेस क्या है भाई, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है भाई, कंसंट्रेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि हम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ टर्म समझ में आ रहा है यहाँ से, कुछ रिलेट हो पा रहा है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे मतलब मेटल की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज, हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज जो हमारे पास मौजूद हैं उनको क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। वो क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई आपके पास, स्टोन हो सकता है, या कोई केमिकल सब्सटेंस हो, केमिकल इम्प्योरिटी हो, कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोसेस में हटाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोल सकते हैं, क्लियर। इसके बाद जो सी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अब आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है, इसमें से क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को। वो कुछ भी तरीका हो सकता है, आग लगा दो या फिर कोई भी अलग अलग तरीके हैं, वो सारे हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ भी करेंगे, सारी चीज़ें करके वो काम करेंगे, बट अभी अभी हमारा मेटल यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, मेटल ही मिलेगा, बट वो क्या मेटल प्योर फॉर्म में होगा, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अभी भी होंगी, और हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। हम भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। अभी भी हमारे पास प्योर मेटल नहीं, हम मल्टीपल प्रोसेसेस करते आ रहे हैं, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कराएंगे, क्रश कराएंगे, ग्राइंड कराएंगे, कंसंट्रेशन वाला प्रोसेस कराएंगे, फिर एक्सट्रैक्शन कराएंगे, तो हो सकता है थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाए, तो उसको क्या करते हैं, हम प्योरिफिकेशन करते हैं लास्ट। तो जब लास्ट प्रोसेस क्या होता है, दैट इज प्योरिफिकेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रिफाइनिंग बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये प्रोसेस है आपके किसकी, मेटलर्जी के। आप इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हो, ठीक है। मेटलर्जी यार एक ब्रांच ही होती है, जब आप आगे जाओगे तो मेटलर्जी, आप IIT जब इंजीनियरिंग करोगे ना, ऐसा जरूरी नहीं कि IIT ही, इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे आपको एक ब्रांच ही पढ़ाई जाती है, दैट इज मेटलर्जी, जहाँ पे आप क्या करते हो, माइनिंग करते हो, माइन करके चीज़ों को निकालते हो, वहाँ से फिर क्या करना पड़ता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, क्लियर। वो मजदूर करते हैं, बट आप क्या करोगे, गाइडेंस दोगे, क्या कैसे करना है, क्या प्रोसेस यूज करना है, ये काम किसका होता है, इंजीनियर का होता है, ठीक है। चलो तो भाई अब हमारे पास प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या तरीका होता है बेसिकली हमारे किसी भी ओर को मेटलर्जी वाला प्रोसेस लगाने का, मेटलर्जी का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ओर है। सबसे पहले अपने पास क्या है भाई, ओर है, तो हम ओर का यूज करेंगे, ठीक है। ओर का यूज करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे पहला काम इम्प्योरिटीज को हटाएंगे। पहला काम क्या कर रहे हैं हम, इम्प्योरिटीज को हटा दिया और क्या हो गया, हटा दिया भाई। उसके बाद फिर आपके पास थोड़ी प्योर फॉर्म में क्या आ गई, ओर जो आई, अब यहाँ पे जो आई वो क्या आई, प्योर फॉर्म ऑफ ओर, क्या आ गई, प्योर फॉर्म ऑफ ओर मिल गया हमें। अब यहाँ से जो ओर में मेटल प्रेजेंट है उसका अब नेचर की बात आएगी, जो ओर में मेटल प्रेजेंट है अब उसके नेचर की बात आएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब नेचर की बात आई, तो मेटल क्या हो सकता है, हाईली रिएक्टिव हो सकता है। पहली चीज, मेटल हाईली रिएक्टिव हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना, कैल्शियम हो सकता है, इसके बाद जो भी फर्दर है सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बाकी नीचे की बात करोगे तो आपके पास सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, दैट इज मरकरी हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, दैट इज लो रिएक्टिविटी में आएंगी, और मीडियम में क्या आएगी, आपकी मैग्नीशियम आ सकती है, आयरन आ सकता है, और कॉपर आ सकता है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मतलब टोटल कहने का क्या मतलब भाई,
टॉप जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर लाई करते हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। वो क्या है, हाईली रिएक्टिव मतलब वो रिएक्ट करके तुरंत कुछ ना कुछ बना देंगे। तो हमें भाई पता होना चाहिए कि अगर हाईली रिएक्टिव है तो हम क्या प्रोसेस लगाएं कि वो तुरंत दूसरे वाले से रिएक्शन करके हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए। और कुछ मिलेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले, मतलब भाई नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हमें रिएक्शन करने की, हम आराम से भी काम कर सकते हैं। जैसे आयरन है तो ऐसा नहीं कि तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ये बात पता, आप ले रहे हो डेली। बट क्या आयरन हमेशा रस्टिंग ऑफ आयरन हमेशा होती है? नहीं होती है। जब तक कि कंडीशन क्या है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं होगी, तब तक वो आयरन क्या होगा, रस्ट नहीं होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा, है ना। तो कंडीशन है कि भाई थोड़ी बहुत सफिशियंट अमाउंट ऑफ कंडीशन जब मिलेगी तभी वो बीच वाले मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं अलग अलग कंपाउंड से। क्लियर? तो ये चीजें हैं, वो बीच में क्या आएगा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और ये क्या है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दैट इज गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बात ही खत्म इनका, ठीक है। तो ये क्या है भाई, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये एग्जिस्ट करेंगे भाई मल्टीपल फॉर्म्स में, कार्बोनेट बना सकते हैं या फिर आपके पास ऑक्साइड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो बेसिकली इनके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ये प्रोसेस मैंने पहले ही पढ़ा रखा है पीछे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, दैट इज हम क्या करते हैं, कैथोड एनोड लगाते हैं। हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन को पहले पाउडर जो होगा उसको क्या करेंगे, जो पाउडर होगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक एनोड डालेंगे, एक क्या डालेंगे, कैथोड डालेंगे, और इससे क्या पास करा दोगे, आप इससे पास करा दोगे इलेक्ट्रिसिटी, आप बाकी जो वेस्ट चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी बाहर, और ये जो बची खुची चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल के तौर पर मिल जाएगी, ठीक है। जो बची कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे लिए यूजफुल है वो क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस भाई ये आपका 12th का टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा सॉल्यूशन है, तो हम कौन सा एनोड और कैथोड वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अभी आपको जो ध्यान रखना है दैट इज ये इलेक्ट्रोलिसिस, अगर मैं देख लूंगा जरूरी होगा तो एक इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर पूरी वीडियो होगी, भाई कौन सा सॉल्यूशन है तो कौन सा कैथोड डालोगे और कौन सा एनोड डालोगे उसमें, ठीक है। चलो अब भाई बात आती है किसकी, बात आती है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं भाई, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, और भी है भाई आपके पास मल्टीपल हैं जो यहाँ पे लाई कर सकते हैं, जिंक हो गया, ये सारे यहाँ लाई करते हैं। ये बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली कार्बोनेट फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब इनको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस लगा देते हैं या फिर रोस्टिंग का प्रोसेस लगा देते हैं। दोनों बेसिकली है क्या, ऑक्सीडेशन ही है, हीटिंग ही है, दोनों प्रोसेस क्या है, हीटिंग बोल सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बट डिफरेंस थोड़ा सा कैल्सिनेशन में ये होता है कि यहाँ पे बस आप O2 की मात्रा उतनी ही रखते हैं जितनी ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या होता है, O2 की मात्रा आप क्या करते हैं भाई, मात्रा उतनी ही रखते हैं, उतनी ही रखते हैं जितनी ज़रूरत होती है, रखते हैं जितनी जितनी क्या होती है, ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है उतनी ही रखते हैं, क्लियर। बट यहाँ पे रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में अमाउंट ऑफ O2 विल बी प्रेजेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये है क्या, बेसिकली आप इसको बोलेंगे हीटिंग करते हैं हम, हीटिंग ही है, हीटिंग प्रोसेस ही है, ये भी क्या है, हीटिंग प्रोसेस ही है, कैल्सिनेशन भी, बट इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ, जितना नीड है बस उतना ही ऑक्सीजन आप रखेंगे वहां पे, बाकी क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन भगा देंगे, और यहां से जो प्रोसेस निकल के आएगा, जो फॉर्मेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये क्या निकल के आएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और यहां से हम क्या करेंगे भाई, पता है कि ऑक्सीजन है तो अगर उसको रिड्यूस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योरिफिकेशन फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाएगा, ठीक है। और देखोगे आप मोस्ट ऑफ द फॉर्म में जितने भी मेटल्स क्या होते हैं आपके कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, सबको हम क्या ट्राई करते हैं, पहले घींच के ले आओ कहाँ पे, ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड से क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, वो रिड्यूस हो जाएगा।
तो हमेशा हम कोशिश हमारी क्या होती है मोस्ट ऑफ द केस में, अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए इससे रिलेटेड कि भाई हम ट्राई क्या करते हैं, सारे जो आपके पास जितने भी मिनरल्स हैं जितने भी ओर्स हैं आप प्योरिफिकेशन के बाद क्या ट्राई करते हो, जैसे इम्प्योरिटी निकाल लिया आपने, अब एक्सट्रैक्शन असली प्रोसेस जो आता है, आप मोस्टली ट्राई क्या करते हो, तो आप ट्राई क्या करते हैं भाई, सिंपल सा कि उसको ऑक्साइड के फॉर्म में ले आए, ऑक्साइड के बाद आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, वो निकल लेगा अपना, ठीक है। अब जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये मोस्टली सल्फाइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर, ये हमेशा सल्फाइड के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको क्या करते हैं, सल्फाइड के लिए हमने क्या किया था, रोस्टिंग किया था, इनका भी क्या करेंगे, रोस्टिंग वो वाली रोस्टिंग नहीं, ये दूसरी रोस्टिंग है, दैट इज हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2, क्लियर। इसके बाद क्या मिल जाता है हमें, मेटल मिल जाता है, और उसको हम क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं और प्योर फॉर्म में ले आते हैं, क्लियर है, क्लियर हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो, फिर ऑक्साइड के बाद आप क्या करते हैं, हीट कर देते हैं और ये रिड्यूस होके क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस है, आपके पास ओर आएगा, पहले इम्प्योरिटी हटाएंगे, लाइक सैंड हो गई, जो भी चीज़ें हैं वो पहले हटाएंगे। अब कंसंट्रेशन के बारे में ही हम डिटेल में आज करने वाले हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे मेटल की प्रॉपर्टी, देखोगे कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, या फिर मीडियम वाली रिएक्टिविटी है, कौन सी रिएक्टिविटी है, उसके बाद वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाईली रिएक्टिव है तो भाई सिंपल सा काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा के मेटल को एक्सट्रैक्ट करा के निकाल लेंगे। बट अगर मीडियम रिएक्टिव वाला है तो किस फॉर्म में है, सल्फाइड में है या कार्बोनेट में है। अब कार्बोनेट में है तो कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फाइड में है तो रोस्टिंग कराएंगे, रोस्टिंग करा के कहाँ तक पहुँचोगे, ऑक्साइड में पहुँचोगे। अब ऑक्साइड के बाद रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन के लिए केमिकल रिएजेंट यूज़ कर सकते हो या फिर हीटिंग यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। इसके बाद लो रिएक्टिविटी पे आओगे, ये सल्फाइड ओर में अगर एग्जिस्ट कर रहा है बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम ट्राई करेंगे कि उसको ऑक्साइड मिला के फिर से क्या करें, उसका रिडक्शन करा के काम खत्म करा लें, ठीक है। तो पहली प्रोसेस जो आती है भाई एनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो हम क्या करते हैं, ओर मिलती है हमें, है ना, ओर मिलता है, ओर से हम प्योरीफाइड फॉर्म में जो मेटल का कंपाउंड निकालते हैं, यही प्रोसेस क्या होती है हमारी, दैट इज कंसंट्रेशन। हम ओर से कहाँ जाते हैं, मेटल के कंपाउंड तक जाते हैं, यही प्रोसेस क्या होती है हमारी, दैट इज कंसंट्रेशन। लिख लो क्या, ये क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होती है, यही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और यहां से ओर से अगर आपसे पूछा जाए मेटल तक की प्रोसेस, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेटलर्जी, जो आप अच्छे से पढ़ते हैं 12th में, या फिर आप फर्दर आप आगे जाएंगे तो इंजीनियरिंग में भी आपको पूरी 4 साल वो पढ़ाई जाती है मेटलर्जी, ठीक है। जो पूरी प्रोसेस है कि भाई आपको ओर मिल गया, और से क्या करना है, आपको मेटल सर को बाहर निकाल लेना है अपने काम के लिए, मेटल सर को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, क्लियर। चलो अब पहली प्रोसेस जो यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या इतनी सारी प्रोसेस है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या, इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं, और ये क्या है सेकेंड स्टेप है। पहला काम क्या होगा, क्रशिंग होगा और ग्राइंडिंग होगा, उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन वाला प्रोसेस। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पहली चीज जो हमें पढ़नी है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। ये आपका भाई फेवरेट है ना, ये मोस्टली हर जगह पूछ लिया जाता है और यही चीजें होती हैं। ये सारे क्या है, सेकेंड स्टेप है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये चारों प्रोसेस लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो ये मेटल का कंपाउंड मिलेगा आपको, मेटल का क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। अब इसके बाद फिर अलग से चीज लगा के हम क्या करते हैं, मे बी रोस्टिंग हो सकती है, कैल्सिनेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलिसिस तो डायरेक्ट हो जाती है। अब ये यूज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो या फिर रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन यूज करके हम क्या करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं, क्या करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, मेटल के नेचर पे, कि वो स्ट्रांग रिएक्टिव है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है या फिर मॉडरेट रिएक्टिव है, क्लियर। तो ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग पे आते हैं, तो डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे सिंपल सी है भाई। ये प्रोसेस आपको दिख रहा होगा कि हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन लेते हैं, इंक्लाइन वेज ले लेते हैं, जिसपे से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम को फिक्स करते हैं,
जहाँ पे क्या करते हैं, एक वाटर का सोर्स ले लिया हमने अपर साइड पे, इंक्लाइंड अपर साइड पे, और यहाँ से वाटर की फ्लोटेशन कराते हैं इस सरफेस पे, और यहाँ से क्या करते हैं, जो हमने क्रश किया हुआ ओर है, क्रश किया वाला ओर है, उसको क्या करते हैं भाई, यहाँ से गिराते जाते हैं, यहाँ से ये गिरता जाता है। अब इसमें क्या होगी भाई, इसमें होगी इम्प्योरिटी, इसमें क्या होगी इम्प्योरिटी, और इसे ही क्या करना है भाई, हमको हटाना है इम्प्योरिटी को ही तो हटाना है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ओर को गिरा रहे हो, यहाँ से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अब जो आपके पास इम्प्योरिटी है, बस मेन चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है, दैट इज़ कि इम्प्योरिटी क्या होती है, वाटर के साथ घुल के यहाँ पे आ जाती है, और उसी इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्लियर, उसी इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, जो इसके साथ घुल के आ जाती है। और घुलने का कारण क्या है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल ओर बोल सकते हैं, ओर एंड इम्प्योरिटी। क्लियर भाई, कितना ही ना तो ओर की भाई मेटल है ना, ओर जो एक्चुअल ओर है वो क्या है, मेटल है, तो मेटल की तो डेंसिटी आई होप ज़्यादा ही होगी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इम्प्योरिटी से ज़्यादा हुई होगी, सैंड होगा छोटा छोटा पार्टिकल, बट मेटल इज़ अ बिग पार्टिकल एंड उसकी हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो वो वाटर के साथ मिल लेगा और निकल लेगा। मान लो कुछ अगर हम तुम्हारे मेटल भी निकल लेते हैं, थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं आते हर जगह, तो आप यहाँ क्या लगा रखे हो, कॉरुगेटेड बोर्ड्स लगा रखे हो, जो क्या करते हैं मेटल्स को रोक लेते हैं, जो आपके ओर हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये रोकने का काम करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को नहीं, ठीक है, रोकने का काम कर लेते हैं, ये सिंपल सा काम है इनका, क्या कि और अगर आप भाई एक्स्ट्रा हो सकता है, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे देखोगे ये सारे क्या है, आपके और इकट्ठा हो रहे हैं, ये छोटे छोटे, ठीक है। फर्दर मान लीजिए आगे यहाँ पे जो आपके गिरेंगे वो सारी क्या होंगी, इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी, और ये हमें क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, आपका और मिल जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं हम किसका यूज़ करते हैं, तो हेमेटाइट के लिए यूज़ करते हैं, और टिन स्टोन के लिए यूज़ करते हैं, और सिल्वर और गोल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मेजर टर्म आता है कि हम ये कब लगाते हैं, दैट इज आप जब स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस हो बिटवीन द ओर एंड इम्प्योरिटी, तभी यू विल अप्लाई दिस प्रोसेस। ओके, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का यही तरीका है भाई, कि हम क्या करते हैं, एक टेबल स्लोप के तरीके से लेंगे जहाँ से वाटर गिराएंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, आपके कोएगुलेटेड बोर्ड का है, और किसका है, आपकी जो फनल है उसका है। क्लियर, चलो दूसरे वाली प्रोसेस पे आते हैं भाई, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं भाई, है ना। सबसे पहले जो जरूरत आएगी आपके पास क्या आएगी, वो किसकी आएगी, फ्लोटेशन टैंक की। एक टैंक लेंगे आप, टैंक में क्या करेंगे, आपके पास भाई झाग, आपने सुना होगा ना, घर में आपने देखा होगा, जब आप साबुन घोल देते हो तो झाग निकल जाता है, या फिर कभी कॉफ़ी उफी पी रहे हो किससे, स्ट्रिप से, जो स्ट्रिप होती है, हम जब उसमें फूंकते हैं तो देखते हो वो ऊपर की तरफ आने लगता है ना, मतलब उबाल वाली तरीके से चीज़ें होने लगती है, तो वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है किसके पीछे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के पीछे, ठीक है, वही प्रोसेस। यहाँ पे एक पहले आपके पास क्या होगा, फ्लोटेशन टैंक होगा, ये क्या है, एक फ्लोटेशन टैंक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले अपना सेटअप तैयार करते हैं, उसके बाद की कहानी आगे समझते चलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें वाटर मिलाएंगे प्लस ऑयल मिला देते हैं। अब ये कोई भी ऑयल हो सकता है नॉर्मल, ठीक है, कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल हो सकता है, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, वाटर और ऑयल को मिला देंगे, तो आपको पता है भाई कि दोनों डेंसिटी का क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या है, डेंसिटी का डिफरेंस है, और ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ऑयल क्या होगा, लेस डेंसिटी है, तो ये वाटर के सरफेस पे ही लाई करेगा, ऊपर ही लाई करेगा, दोनों मिसिबल तो है नहीं, दोनों इमिसिबल है, दोनों क्या होंगे, घुलेंगे नहीं, इसके सरफेस पे ही लाई करेगा क्या, ऑयल, और वाटर क्या होगा, नीचे। अब हम क्या करते हैं, बस कंडीशन क्या है कि जो भी ओर लोगे आप वो क्या होना चाहिए, सल्फाइड ओर ही होना चाहिए। अगर सल्फाइड ओर नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं लगाएंगे आप, अगर सल्फाइड ओर है तभी आप ये प्रोसेस लगाएंगे।
यहाँ पे हमने एक मेटल की सीट लगा रखी है और ये पाइप कनेक्ट कर रखा है ताकि यहाँ से हम क्या करें, एयर को भेज सके, कंप्रेस एयर को भेज सके। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं भाई, हम इसमें सिंपल सा काम करेंगे, क्या ओर को मिक्स कराएंगे, ओर को क्या कराएंगे, मिक्स कराएंगे, जो क्रस्ट ओर है आपका उसको क्या कराएंगे, मिक्स कराओगे आप, बट कंडीशन इज दैट इज सल्फाइड ओर, बिकॉज जो सल्फर है, ठीक है, जो सल्फर है उसकी टेंडेंसी क्या है, ऑयल के साथ सल्फर, सल्फाइड ओर का कहने का मतलब क्या भाई, सल्फर जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, सल्फर है, इसकी टेंडेंसी क्या है, चिपकने की, चिपकने की किससे, ऑयल से। अगर ये टेंडेंसी नहीं होगी तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या है भाई, अटैचमेंट, जैसे वहाँ पे क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो मेन चीज इन्वॉल्व होती है दैट इज़ क्या, चिपकने की टेंडेंसी ऑफ सल्फर इन ऑयल, वही यूज आती है यहाँ पे। जब आप क्या करोगे भाई, ओर को मिक्स करा दोगे, अब भाई आपके पास सॉल्यूशन है दैट इज वाटर प्लस ऑयल, अब यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जब भेजेंगे आप तो पहले भाई आपको पता है कि यहाँ पे जो सल्फाइड का ओर है ये किसके साथ निकलना चाहेगा, ये भागना चाहेगा ऑयल के साथ, और ऑयल क्या है, ऑयल तो सरफेस पे ही लाई करता है और ये सरफेस पे भागने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर कुछ नीचे भी रह जाता है, तब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर दे रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर देने की कोशिश कर रहे हैं, और ड्यू टू दैट जो ये पार्टिकल है इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये कहाँ भागने की कोशिश करेगा, ये ऊपर भागने की अगेन कोशिश करेगा। आप देखो घर पे ट्राई कर लेना, एक ग्लास लेना, उसमें स्ट्रिप डालना और उसमें फिर फूकना, देखो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ उबाल मारने लगेंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, अगेन क्या होगा, कुछ पार्टिकल जो बचे होंगे थोड़ी बहुत, वो क्या होंगे, अगेन ऑयल के साथ अटैच हो जाएंगे और अटैच करके सरफेस पे आ जाएंगे, किसके फॉर्म में, बबल के फॉर्म में आ जाएंगे, दैट इज़ वो क्या होंगे, बबल के फॉर्म में ऑयल से मिक्सअप होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, ऑयल से अटैच्ड होंगे क्या आपके, सल्फाइड का ओर क्या होगा, सल्फाइड ओर क्या होंगे आपके पास, अटैच्ड होंगे ऑयल से, और उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के छोड़ देंगे, तो अपना बबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फोम क्या हो जाएगा भाई, गायब। तो थोड़ी बहुत ऑयल की बात रहेगी तो ऑयल के लिए मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं, वो आप जानते हो नॉर्मल सी प्रोसेस है कि आपको किसी चीज़ से अगर ऑयल निकालना है तो आप क्या करते हो। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर लेते हैं। कौन सा ऑयल है भाई, यहाँ पे पाइन ऑयल है मोस्टली आपके पास, ठीक है, पाइन ऑयल का यूज़ करते हैं जनरली इसमें। फिर आप मेन जो ध्यान रखना है सल्फाइड ओर, और ये मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या है भाई कि आपके जो गैंग होते हैं वो क्या है, घुलने की इनकी टेंडेंसी नहीं है, है ना, इनकी टेंडेंसी ऑयल के साथ घुलने की नहीं है, ये किसके साथ निकल लेते हैं, ये वाटर का सहारा लेते हैं और उसके साथ नीचे निकल लेते हैं, वाटर का सहारा लेंगे नीचे निकल लेंगे। बट उनकी टेंडेंसी क्या है भाई सल्फाइड की, कि वो सल्फर क्या कर सकता है, ऑयल के साथ अटैच हो सकता है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, सल्फर की प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहा है, सिंपल सा अटैच होके ऊपर निकल जा रहा है सरफेस पे, और हम सरफेस से क्या करेंगे इसको, ये सरफेस से पूरा क्या करेंगे, ये वाली चीज़ें निकाल लेंगे और यही चीज़ें क्या मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो आप किसके के लिए इसके लिए यूज़ कर सकते हो, कॉपर पाइराइट के लिए यूज़ सकते हो और जिंक ब्लेंड के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान देना है दोनों में क्या मौजूद है, सल्फर भैया दोनों में मौजूद हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आप कहाँ पे लगाते हैं, ऑलवेज यूज फॉर सल्फाइड ओर, क्लियर, ऑलवेज यूज फॉर सल्फाइड ओर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑयल अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिमूवल ऑफ ऑयल करेंगे तो प्योर फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ओर मिल जाएगा आपको, सिंपल सा, क्लियर। चलो आगे की बात आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पे मेन चीज जो है वो क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब भाई क्या, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही होगी, अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों की हो सकती है, ओर की भी हो सकती है या फिर किसकी हो सकती है, गैंग की हो सकती है, वो वाला गैंग, लड़ाई वाला नहीं, गैंग इज वॉट, इट इज बेसिकली अ इम्प्योरिटी, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं क्या, इम्प्योरिटी। तो गैंग इज बेसिकली अ इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन आवर मिनरल्स, क्लियर, या फिर ओर। तो ये क्या है, प्योर फॉर्म, प्योर ओर है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, प्योर फॉर्म ऑफ ओर है, क्लियर। तो ये दो तरीके हैं भाई, या तो आपका गैंग क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता हो, तो ध्यान रखना कि दोनों में से कोई एक ही करे, अब ऐसा नहीं अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर काम हो जाएगा खराब,
एक ही करना चाहिए, या तो वो क्या करे हमारा, या तो वो क्या करे हमारा प्योर फॉर्म कर ले, या फिर क्या करे गैंग वाला जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कर ले। दोनों में से क्या करना चाहिए, किसी एक को ही यूज करना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे भाई बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे तरीका देखिए है क्या आपके पास, ये मेटलिक सीट है, ठीक है, ये मेटलिक सीट है जो क्या कर रही है आगे, ये रिवॉल्व करती है, ये ऐसे जाती है ऐसे आती है, ये क्या करती है ऐसे जाती है घूमते घूमते, बेल्ट बोल सकते हो, मैग्नेटिक बेल्ट बोल सकते हो इसको, कि ये जाती है ऐसे घूम घूम के आती रहती है, ठीक है। ये क्या करती है यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर घूम के आगे से फिर ऐसे आती रहती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रस्ड ओर को, क्रस्ड ओर को क्या करते हैं गिराते हैं यहाँ पे, इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड वाला क्या कर रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर है और ब्लैक वाले के पास मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई ये क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर रेड वाले के पास है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट क्या करेगा चिपक जाएगा इसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, और चिपकने की वजह से यहाँ से क्या है ये बेल्ट मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, ध्यान रखना ये बेल्ट क्या है मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, जो आपका रोलर है वो क्या है मैग्नेटिक इन नेचर। तो भाई रोलर पे क्या होगा मैग्नेटिक सब्सटेंस इतने दूर पे क्या होंगे चिपक जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आएगा वो क्या है आपके पास अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, तो सरफेस से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और वो क्या करने लगेंगे नीचे की तरफ गिरने लगेंगे, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो स्टोर करा लोगे और इम्प्योरिटीज क्या होंगी यहाँ गिर जाएंगी, बिकॉज उनके पास क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, तो वो उस इतने दूर वाले सरफेस पे क्या करेंगे चिपकेंगे नहीं, और चिपकेंगे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे आए और ऐसे गिर गए। क्लियर? तो ये पाथ करके गिरते जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो प्रोसेस को, और ये क्या है इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ को आप बाहर निकाल सकते हो, बट कंडीशन इज द प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मस्ट फॉलो होनी चाहिए किसी न किसी एक के पास, दैट इज वो और के पास हो सकती है या फिर गैंग के पास। तो आप यहाँ पे आपको पता है भाई आयरन क्या होता है मोस्टली अफेक्ट होता है किससे मैग्नेट से, तो आयरन के भी आप यूज़ कर सकते हो ओर्स लाइक मैग्नेटिक ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन भी कर सकते हो मैग्नेटिक ही, या फिर आपके पास है क्या SnO2 वाला भी कर सकते हो आप, ठीक है कैज़ेट्राइट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, मेन प्रोसेस क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आयरन के लगभग आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज आयरन अपना बिहेवियर शो कर देता है। इसके बाद केमिकल सेपरेशन आता है। अब देखो ऐसा नहीं कि बाकी नॉर्मल ही इम्प्योरिटीज़ हैं आपके पास, कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे और क्या आ सकती हैं, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ अलग भी आ सकती हैं, क्या केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी तो आ सकती हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी तो आ सकती हैं, इनको हम क्या करते हैं भाई केमिकल इम्प्योरिटीज़ को किसी न किसी केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे और उनको हटाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? केमिकल रिएजेंट क्या हो सकते हैं, वो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं सिंपली उन इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लेके ही समझे तो लीचिंग, इस प्रोसेस को लीचिंग भी बोलते हैं, सिंपल सा इस प्रोसेस को हम लीचिंग भी बोलते हैं, अगर आप केमिकल सेपरेशन वाला प्रोसेस लगा रहे हो तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड लीचिंग। तो यहाँ पे आपके पास बॉक्साइड गेन करना है भाई, तो ये कुछ प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, ये बॉक्साइड क्या है प्योर फॉर्म ऑफ ओर है, इसमें काफ़ी अलग अलग इम्प्योरिटीज़ होती है, तो पहली चीज़ जो सबसे मेजर होती है भाई, दो इम्प्योरिटीज़ मेजरली पाए जाते हैं आपके पास, दैट इज़ आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है पहला, और एक पाया जाता है सिलिकन का ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला लिखना मैंने पहले बता दिया है, अगर तुम्हें नहीं पता है फॉर्मूला लिखने का तरीका तो एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो दो इम्प्योरिटीज़ हैं किसके साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, और इसके बाद आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है एज, ये दोनों क्या हैं एज इम्प्योरिटी, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं किसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में। अब ये क्या है हमारे लिए वेस्ट है, हमें चाहिए नहीं, और अब ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक सेपरेशन करा दोगे तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, कतई नहीं हटेगा, धुल दोगे नहीं हटेगा, बिकॉज ये भी हैवियर पार्टिकल है, और जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे तुम इसको नहीं हटा सकते हो, है ना, नॉर्मल फ्लोथ प्रोटेशन तो लगा ही नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो एनी सल्फर एलिमेंट, है ना, सल्फर नहीं है इसमें, तो आप वो नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई केमिकल का रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा इन भैया को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, कुछ प्रोसेसेस लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास पूरा कंपाउंड है, ठीक है पूरा कंपाउंड है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा पहले नेचर पता करने का, किसका
सारे जो भी चीजें प्रेजेंट है सबका क्या करना पड़ेगा, आपको नेचर पता करना पड़ेगा। जब नेचर आप पता कर लेंगे, ठीक है, नेचर पता करना पड़ेगा, जब आप नेचर पता कर लेते हैं भाई, तब आपका काम आसान हो जाता है इनको हटाना। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन क्या है, मेटल है, और ये क्या है, मेटलॉइड है। सिलिकॉन क्या है, बेसिकली मेटलॉइड है, ना तो ये मेटल है ना ही नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी है इसके पास। तो ये बेसिकली क्या है, मेटलॉइड का ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड। और हमें पता है क्या कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, सिंपली जल्दी जल्दी बताइए, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं सिंपल केस में, ये इन नेचर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, इन नेचर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ये बेसिस से रिएक्ट करते नहीं करते हैं, है ना, ये बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो आप सिंपल सा क्या बोलेंगे कि भैया नहीं करते हैं, है ना, ये बेसिस से रिएक्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे आपके पास अब रिएक्शन आपको पता है भाई सिंपल सा कि ये बेसिक इन नेचर है, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या है, बेसिक इन नेचर, तो हम इसको यूज नहीं कर, ये क्या है, बेसिक। अगर हम रिएक्शन कराएं किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, किससे, NaOH से, ठीक है, बॉक्साइट हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, इंप्योरिटीज हटानी है ताकि हम बॉक्साइट ओर को क्या करें, बॉक्साइट ओर को क्या कर सके, यूज कर सकते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम निकालने के लिए, क्लियर। पहले हमने क्या किया था, ओर लिया था, वो क्या था, इम्प्योर फॉर्म में था, जिसमें क्या क्या चीजें थी, आयरन का ऑक्साइड था, सिलिकॉन का ऑक्साइड था और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था। हमने क्या किया, रिएक्शन कराया बेस से, ठीक है, कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्शन करवाया इस सॉल्यूशन का, ठीक है, रिएक्शन करवा दिया। अब यहां पे जो बन के आता है, रिएक्शन होती है हमारी, हैपन होती है, वो क्या बन के आता है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम और 3H4, दैट इज 2। ये फॉर्मूला लिखना तो आई गया होगा आपको भाई, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या बन के आता है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसके पास इंप्योरिटीज क्या क्या है भाई, Fe2O3 प्लस ऑफ NaOH, दो चीजें हैं अपने पास, और एक क्या है इंप्योरिटी, दैट इज सिलिकॉन का ऑक्साइड प्लस ऑफ NaOH। अब बताइए भाई, ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो एक कंपाउंड क्या हो गया, यहां से हट गया, साइड निकल गया, निकाल दिया गया, क्लियर। बट ये क्या बोलेगा भाई, मैं तो मेटल का नहीं हूं, ना ही नॉन मेटल हूं, मैं तुमसे रिएक्ट कर सकता हूं, मैं तुमसे क्या कर सकता हूं, रिएक्ट कर सकता हूं। अब ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा इनसे, और रिएक्ट करके क्या बना देगा, दैट इज Na2SiO3, आई होप सही हूं, एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट बनता है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट, ये भी बेसिकली एक तरीके का सॉल्ट है, दैट इज सोडियम सिलिकेट, क्लियर। तो यहां पे क्या बन के आया, अब एक्स्ट्रा चीज क्या मिली हमें, पहले क्या था, ये सारी चीजें थी, हमने क्या कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्शन करवा दिया, उसके बाद एक कहानी खत्म हो गई, दैट इज आयरन के ऑक्साइड की, ये रिएक्ट नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन में हट जाएगा, हम क्या करेंगे, ये दोनों सॉल्ट को निकाल लेंगे, इन दोनों चचा लोग को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट को और किसको, सोडियम सिलिकेट को। सिलिकेट आपने देखा होगा यार, बालू जब उठाते हो तो कुछ चीजें उसमें होती है ना, शीशे वाली, वो चीजें याद है, वो चीजें पूरी होती है। तो ये दो कंपाउंड हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, निकल के दो चीजें निकल के आ गई। अब क्या करोगे, अब हमने सिंपली दे रखा भाई क्या, सोडियम एल्यूमिनेट ये पहले भी पढ़ रखा है आपने, यहां पे क्या बना है, सोडियम सिलिकेट, ये पहले पढ़ रहे हो आप, ठीक है, ये क्या कर रहे हो आप, पहले पढ़ रहे हो। अब यहां पे क्या है, मेटलिक ऑक्साइड अगेन है आपके पास, ठीक है, अगेन क्या है, मेटलिक ऑक्साइड है, थोड़ा सा यहां पे आपको मदद करना पड़ेगा, ठीक है, मदद करना पड़ेगा इसको, ये क्या है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट मतलब मेटल का सॉल्ट ही है ना, मेटल का सॉल्ट ही है, और आपको पता है भाई, जब सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट और क्या है अपने पास,
Na2SiO3 दो कंपाउंड है अपने पास। ये क्या है, अब अपने पास दोनों चीजें अलग अलग हैं। हमारा टारगेट क्या है भाई, ये गेन करना है हमें, हमें बॉक्साइट गेन करना, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड ही गेन करना है। तो हमें पता है भाई ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जो भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना, बेसिक इन नेचर होते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। तो हम इनको क्या करें भाई, अगर वाटर में डालें तो ये क्या कर जाएंगे। अब भाई वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ऐसे ही तो चेक करते थे अभी पीछे, पीछे पढ़ा था ना तुमने, ऐसे ही तो चेक करते थे कि अगर ये बेसिक इन नेचर है तो नेचर चेक करने के लिए क्या करते थे, वाटर में डालते थे। तो वाटर में जैसे ही डाले ये क्या कर जाता था, बेस बना देता था। तो कौन सा बेस बना सकता है, तो आप बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। तो ये दो बेसिस बन जाएंगे। अब यहां पे जब आप वाटर डालेंगे तो ये भाई सोडियम तो यहां मौजूद है, बट सिलिकन बोलेगा भाई कि मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैं तो नॉन मेटल नहीं हूं, या फिर मेटल नहीं हूं, मैं तो मेटल नहीं हूं, मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैं क्यों बेस बनाऊं। तो ये रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू मेटलाइड प्रेजेंट इन सॉल्ट। ये सॉल्ट है नो डाउट, बट यहां पे सिलिकन प्रेजेंट है, दैट इज मेटलॉयड, नॉट अ मेटल, नॉट अ नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करने देगा, ये क्या कर जाएगा, रिएक्शन नहीं करने देगा। अब यहां से हमारी कहानी ये भी खत्म हो गई, सिलिकन वाला भी पार्ट खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिंपल सा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, बट अभी भी क्या चाहिए हमें, ये वाला कहानी चाहिए, अभी भी क्या चाहिए भाई हमको, ये वाली कहानी चाहिए। तो वहां से यहां तक जाने के लिए कुछ हमें अलग सा सफर तय करना पड़ेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, बट हमें भी अभी भी 2.H2O चाहिए। अभी क्या चाहिए, 2.H2O चाहिए, मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो सिंपल सा हम काम क्या कर देंगे, यहाँ तक जाने के लिए प्लस ऑफ 2.H2O मॉइस्चराइज कर देंगे, इसे नमी में क्या कर देंगे, रिएक्ट करा देंगे, तो ये बन के आ जाएगा सिंपल जो हमें चाहिए था ऑक्साइड। तो ये टोटल प्रोसेस आपने जो यूज किया है, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल सेपरेशन, या फिर लीचिंग बोल सकते हो बॉक्साइड के लिए हमने जो यूज किया है, सिंपल क्लियर। हमारा टारगेट क्या था भाई, बॉक्साइड को प्योर फॉर्म में गेन करना और इम्प्योरिटीज को हटाना, दैट इज आयरन ऑक्साइड, और क्या करना था, सिलिकन का ऑक्साइड हटाना था। तो हमने क्या किया, इसका यूज कर दिया, क्लियर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी उसमें, है ना, आई होप सारी चीज़ें उसमें समझ में आ गई, चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये सारी चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमें समझनी थी यार, ठीक है। अब आपके लिए एक बेसिक सा काम है, दैट इज़ पढ़ाई तो आप नो डाउट कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, बट आपको भाई बीच बीच में टेस्ट भी देने चाहिए यार, चीज़ें करनी चाहिए। अगर चैनल पर नए हो आप, आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आई होंगी तो आप पढ़ाई के साथ साथ खुद को टेस्ट भी करते रहो, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यार टेस्ट सीरीज नहीं मिलता, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज तक ही चीज़ें नहीं सीमित है, आपको मेंटरिंग इसमें मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट भी करते जाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इन्वॉल्व कराई जाती हैं यार, मेंटरिंग मिलती है भाई, पढ़ाई के साथ साथ आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है ना, मेंटरशिप मिलती है, प्लस आपको क्या मिलती है, जूम कॉल मिलती है। काफ़ी बच्चे हैं जो क्या कर जाते हैं, डीमोटिवेट कर जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पास नहीं समझ में आता है, तो सारे डाउट अपने कहाँ पूछ लेते हैं, वो जूम कॉल पे पूछ लेते हैं। इसके बाद आप में इसको क्या मिलता है भाई, बेस्ट प्रॉब्लम्स मिलते हैं, क्लियर, बेस्ट प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। मैंने भी फिजिक्स के देख रहे थे, वैसे ही सबके लिए ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं, इसमें आपको सैम्पल पेपर भी मिलेगा बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ टेस्ट के बहाने ही खरीदो और सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। अब ये प्राइस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज़ ये 399 हो चुका है, तो ये आपको भाई प्राइस जो भी है आपकी सीरियसनेस के लिए लिया जा रहा है ना, थोड़ा हम भी काम कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी है प्लस आपके लिए भी, दोनों लोगों के लिए है ना। बाकी सेट प्लस मैट दोनों के लिए चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ सेक्शन में चले जाना है, किसके, NTSC सेक्शन में। और अगर भाई आप चाहते हो कि भाई हमें भैया थोड़ा पाथ दिखाइए कैसा है टेस्ट आपका, तो आपके लिए वहाँ पे दो फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि बस सारी चीज़ें आपको कॉस्टली ही, पहले कॉस्ट नहीं देना है, पहले जाके दो
फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमारे लिए बेस्ट है, सफिशियंट है, तब आप ज्वाइन करो और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। क्लियर? तो भाई आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ डाउट होगी तो कर देना चीज़ें। अब तक हमने क्या किया है लेक्चर में, आपने जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको हटा दिए, अब प्योर कंपाउंड है आपके पास, अब उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, प्योर कंपाउंड से मेटल तक और मेटल से रिफाइन करके प्योर फॉर्म ऑफ मेटल तक कैसे जाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं भाई कल वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।